1830 ये रहा सल्तनत उस्मानिया मतलब ओटोमन अम्पायर का इलाका, जिसमें ये है आज का तुर्की, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल जहां ओटोमन सुल्तान मतलब खलीफा बैठते थे, ये है ओटोमन अम्पायर के कब्जे में ग्रीस का इलाका जो क्रिश्चियन थे और ओटोमन से आजादी चाहते थे, ये है फलस्तीन, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, हिजाज मतलब मक्का मदीना का इलाका, और ये रहा इजिप्ट। हिजाज और इजिप्ट आज की वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही बताने वाले हैं कि शरीफ ऑफ मक्का ने कैसे ओटोमन के साथ गद्दारी की, जिसकी वजह से फलस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में चला गया, ओटोमन अम्पायर किस तरह टूटकर आज का तुर्की बन गया, कैसे 1924 में अल सऊद खानदान ने हिजाज पर कब्जा किया और 1935 में सऊदी अरेबिया बना डाला, और हिस्टोरियन ये क्यों मानते हैं कि अगर सेकंड इजिप्शियन ओटोमन वार में सर्दियां बीच में ना आती तो मुसलमानों के खलीफा तुर्किश नहीं इजिप्शियंस होते और खिलाफत अभी भी जिंदा होती। तो सुनिए, 1805 से 1848 मोहम्मद अली पाशा के दौर में इजिप्ट एक ऑटोनॉमस स्टेट मतलब खुद मुख्तियार मुल्क था। वो कॉन्स्टेंटिनोपल में बैठे ओटोमन सुल्तान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट तो करते पर अपने मुल्क को अपने हिसाब से चला रहे थे और खलीफा के इन्फ्लुएंस से हमेशा निकलने की कोशिश में रहते। 1811 से 1818 मोहम्मद अली पाशा की इजिप्शियन फौजों ने उनके बेटे इब्राहिम अली पाशा की कमांड में फर्स्ट सऊदी स्टेट दीरिया को जड़ से उखाड़ हिजाज को वापस ओटोमन अम्पायर के साथ मिलाया और हिजाज में बैठ के मक्का मदीना की रखवाली के लिए, मतलब अब हिजाज में इजिप्शियन फोर्सेस है, ये पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट सऊदी स्टेट को खत्म करके इजिप्शियन गवर्नर मोहम्मद अली पाशा को यह एहसास होता है कि पूरे ओटोमन अम्पायर में सबसे ताकतवर फौजें इजिप्शियंस हैं। उन्हें एहसास होता है कि वो ओटोमन अम्पायर के तुर्किश खलीफा को टक्कर देकर एक अरेबियन खलीफा बन सकते हैं। वो यूरोपियन रिनेसांस को मुस्लिम इलाकों में लाकर मुसलमानों को जमाने के साथ साथ चला सकते हैं, और वो सही थे, क्योंकि तुर्की सुल्तान की खिलाफत में मुस्लिम ममालिक एग्रीकल्चर बन गए थे और साथ में बैठे यूरोपियन कंट्रीज रेनेसांस की मदद से इंडस्ट्रियल, और ये वजह मुस्लिम्स को पीछे की तरफ धकेल रही थी और इजिप्शियन गवर्नर मोहम्मद अली पाशा ये नहीं चाहते थे। 1825 ओटोमन सुल्तान ग्रीक में लोकल अपराइजिंग को सप्रेस करने के लिए फिर से मोहम्मद अली पाशा को हुक्म देते हैं और बदले में क्रीट, साइप्रस और मोरिया मतलब आज का पेलोपोनीज उनके हवाले करने का वादा करते हैं। मोहम्मद अली पाशा के बेटे इब्राहिम अली पाशा समुद्र के रास्ते ग्रीस में पहुंचते हैं और 10 माह के अंदर ग्रीस अपराइजिंग को बड़े आराम से सप्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं। सितंबर 1827 रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस अपने लोगों के दबाव में आकर ग्रीस जो एक क्रिश्चियन इलाका था उनकी मदद के लिए आ पहुंचते हैं। रिजल्ट अक्टूबर 1827 बैटल ऑफ नवरिनो, वो इब्राहिम अली पाशा की फौजों को ग्रीस से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ग्रीस से वापस आने के बाद इब्राहिम अली पाशा सीरिया की तरफ रुख करते हैं और सीरियन रेबल्स को सप्रेस करने के लिए वो एकर के गवर्नर अब्दुल्ला पाशा इब्न अली से मदद मांगते हैं, जो साफ साफ मना कर देते हैं। उनकी इस मना को वो बेइज्जती का बहाना देते हुए जमीन और समुन्द्र के रास्ते अक्टूबर 1835 में आकड़ जो ओटोमन अम्पायर का इलाका था उस पर हमला कर देते हैं और 6 महीने के अंदर उस पर कब्जा भी कर लेते हैं, और इस तरह वो फर्स्ट इजिप्शियन ओटोमन वार की शुरुआत कर देते हैं, ये कहते हुए कि ओटोमन सुल्तान ने क्रीट, साइप्रस और मोरिया देने का वादा तो किया पर वादा पूरा नहीं किया। इजिप्शियन फौज तुर्किश फौजों से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और एडवांस थी और लोकल भी इजिप्शियंस का ही साथ दे रहे थे, क्योंकि हर कोई ओटोमन से आजादी चाहता था। इब्राहिम अली पाशा एकर में कामयाबी के बाद एलिपो, होम्स, बेरूत, साइडन, त्रिपोली और दमस्कस तक ओटोमन सुल्तान और लोकल गवर्नर्स की फौजों को रोनते हुए उन पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब अब ग्रेटर सीरिया और हिजाज उनके कब्जे में था। नवंबर 1832 वो कोनिया के शहर पर भी कब्जा कर लेते हैं। इब्राहिम अली पाशा को रोकने के लिए ओटोमन सुल्तान महमूद सेकंड 80,000 फौजियों का लश्कर भेजते हैं ग्रेट वजीर राशिद महमूद पाशा की कमांड में। इब्राहिम अली पाशा के पास 50,000 फौजियों का लश्कर था जो ग्रेटर सीरिया और नॉर्दर्न इजिप्ट की बॉर्डर्स पर तैनात था, पर कोनिया में सिर्फ 15,000 इजिप्शियन फौजी ही थे। रिजल्ट दिसंबर 21, 1832 इब्राहिम अली पाशा के 15,000 सिपाही 80,000 ओटोमन्स को हरा देते हैं। अब इब्राहिम अली पाशा और कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब खलीफा के बीच में कोई नहीं आ सकता। खालिद फहमी ऑल द पाशाज मैन में लिखते हैं कि अगर एक चीज उनके बीच में ना आती तो इब्राहिम अली पाशा की तलवार उनके वालिद मोहम्मद अली पाशा को नया खलीफा बना देती और शायद खिलाफत अभी भी जिंदा होती, क्योंकि मोहम्मद अली पाशा रेनेसांस के दीवाने थे और वो मुस्लिम्स को यूरोपियंस के साथ साथ चलाते जैसे वो इजिप्ट में ऑलरेडी कर रहे थे। पर एक चीज उनके आड़े आ गई,
सर्दियाँ। बिल्कुल, कॉन्स्टेंटिनोपल की सर्दियाँ इजिप्शियंस को कोनिया में ही रोकने पर मजबूर कर देती हैं, और तब तक ओटोमन्स रशियन के साथ एक अलायंस बना लेते हैं, जिसके तहत रशियन फोर्सेज ओटोमन एम्पायर में दाखिल होकर इब्राहिम अली पाशा की फौजों को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। उसामा शम्सुद्दीन ए मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इजिप्ट में लिखते हैं कि इब्राहिम अली पाशा बड़े आराम से रशियन फौजों को हरा देते, पर ब्रिटेन और फ्रांस जो मोहम्मद अली पाशा के हामी थे, मोहम्मद अली पाशा और उनके बेटे इब्राहिम अली पाशा को मजबूर करते हैं कन्वेंशन ऑफ कोताया साइन करने के लिए, क्योंकि वो ओटोमन एम्पायर के अंदर रशियन इन्फ्लुएंस नहीं चाहते थे। इस ट्रीटी के तहत ग्रेटर सीरिया इजिप्ट के हवाले कर दिया गया और इब्राहिम अली पाशा उस इलाके के गवर्नर जनरल बनते हैं। इस ट्रीटी के तहत इजिप्ट को ओटोमन्स की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करनी होगी, मतलब ओटोमन्स के अंडर ही रहना होगा। उसामा लिखते हैं कि प्रैक्टिकली दोनों इस ट्रीटी से काफी नाराज थे, क्योंकि मोहम्मद अली पाशा और उनके बेटे इब्राहिम अली पाशा ये बात अच्छे से जानते थे कि वो ओटोमन से ज्यादा ताकतवर, एक्सपीरियंस्ड और ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, तो वो ओटोमन्स के अंडर काम क्यों करें। और ओटोमन्स ग्रेटर सीरिया इजिप्शियंस के हवाले करके इजिप्शियंस को अपनी बॉर्डर के नजदीक बिठाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रिजल्ट, 6 साल बाद ही मोहम्मद अली पाशा ओटोमन एम्पायर से इजिप्ट की आजादी का ऐलान कर देते हैं। 1835 सुल्तान उन्हें गद्दार करार देते हुए मोल्टिक द एल्डर की कमांड में ओटोमन फौजें भेजते हैं और इब्राहिम अली पाशा के सीरियन इलाके पर हमला करवा देते हैं, और इस तरह सेकंड इजिप्शियन ओटोमन वार की शुरुआत हो जाती है। इसे सीरियन वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये सीरिया के अंदर ही लड़ी गई। जुलाई 1940 ओटोमन फौजें इब्राहिम अली पाशा के सामने घुटने टेक देती हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और बाकी यूरोपियन ताकतें ओटोमन को फिर से बचाने के लिए इंटरफेयर करते हैं और सीरिया में बैठे इब्राहिम अली पाशा के इजिप्ट के साथ समुद्री सप्लाई को कट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ जाते हैं, और सितंबर टू नवंबर 1940 बेरूत और एकड़ पर ब्रिटेन कब्जा कर लेता है। 27 नवंबर 1840 इब्राहिम अली पाशा को मजबूरन द कन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया नामी ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जिसके तहत अब उन्हें सीरिया पर अपना हक खत्म करना होगा और वो सिर्फ इजिप्ट के ही गवर्नर बनकर रह जाएंगे। 1948 इब्राहिम अली पाशा की मौत हो जाती है और उसके एक साल बाद ही 1949 में उनके वालिद मोहम्मद अली पाशा की भी मौत हो जाती है, और इन दोनों के बाद जितने भी इजिप्शियन गवर्नर आए वो सारे के सारे निकम्मे और नालायक निकले, जैसे कि इब्राहिम अली पाशा के बेटे इस्माइल अली पाशा, जिन्होंने कर्जे में डूबने की वजह से इजिप्ट को लगभग यूरोपियंस के हवाले कर दिया था। कट टू 1882, आखिरी नालायक इजिप्शियन गवर्नर्स की वजह से ब्रिटेन इजिप्ट पर कब्जा कर लेता है। 1882, अब ओटोमन एम्पायर का मैप ये रहा, मतलब ओटोमन एम्पायर विदाउट इजिप्ट, यानी के निहायत ही कमजोर ओटोमन एम्पायर। अरब इलाकों के लोग ऑलरेडी ओटोमन से आजादी चाहते थे, और तभी 1908 में हिजाज रेलवे, जो दमस्कस को मदीना से कनेक्ट करता था, कंप्लीट होता है, जिसको बनाने के लिए ओटोमन सुल्तान ने फ्रांस और जर्मनी से इमदाद लिया था। पॉइंट नंबर 1, मस्जिद अल अक्सा और मक्का मदीना जैसे पाक जगहों को जोड़ने के लिए गैर मुस्लिम ममालिक से एड लेना। पॉइंट नंबर 2, ये रेलवे हिजाज में ओटोमन आर्मी लेकर आता है, जो हिजाज के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर में काफी इंटरफेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 3, आखिरी तुर्की सुल्तान अरब लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा देते हैं, जो अरब के लिए काफी ह्यूमिलेटिंग था। दमस्कस के इमाम मोहम्मद आरिफ हिजाज रेलवे में नॉन मुस्लिम्स की एड को जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कट टू 8 जुलाई 1940, फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है और ओटोमन एम्पायर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देते हुए वर्ल्ड वार में हिस्सा लेते हैं। गौर से सुनिएगा, 19 फरवरी 1915 से 9 जनवरी 1916 द गैलोपी कंपेनियन, एक मिलिट्री कंपेनियन जो ब्रिटेन और ओटोमन एम्पायर के बीच हुई, जिसमें ब्रिटेन बुरी तरीके से हार जाता है। इस जंग में हारने के बाद ब्रिटेन को ये रियलाइज होता है कि ओटोमन्स उतने भी कमजोर नहीं हैं जितना उन्होंने उन्हें समझ रखा है, और ओटोमन्स को हराने के लिए उन्हें और एलाइज चाहिए, खासकर अरब्स। 1915 के दौरान ओटोमन एम्पायर के अरेबिक बोलने वाले इलाकों में एक अरब नेशनलिस्ट जज्बात जागते हैं, मतलब अपने एक अलग से अरब मुल्क बनाने का ख्वाब, जो ओटोमन्स के असर व वसूख में ना हो, और इस अरब कौम परस्ती को लीड कर रहे थे हिजाज के गवर्नर हुसैन बिन अली और उनके 3 बेटे अली, अब्दुल्ला और फैसल। हिजाज के गवर्नर हुसैन बिन अली ओटोमन से आजादी चाहते थे, हिजाज के बादशाह बनकर खुद खलीफा बनना चाहते थे, क्योंकि वो मुस्लिम्स के आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थे। ब्रिटिशर्स ओटोमन एम्पायर को कमजोर बनाने के लिए हिजाज में ओटोमन्स के खिलाफ बगावत की साजिश करते हैं, जिसे अरब रिवॉल्ट कहा गया,
और इस बगावत को अंजाम देने के लिए हिजाज के गवर्नर हुसैन बिन अली को इजिप्ट, जो अब ब्रिटेन के कब्जे में था, उसके कमिश्नर हेनरी मैकमोहन जुलाई 1915 से मार्च 1915 के बीच शर्तों से भरी 10 लेटर्स लिखते हैं, जिन्हें मैकमोहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस कहा गया। इन लेटर्स के मुताबिक हुसैन को हिजाज में ओटोमन्स के खिलाफ बगावत लानी थी ताकि वो वर्ल्ड वार में कमजोर पड़ जाएं और हार जाएं, और इसके बदले वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन पावर्स हिजाज की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए नॉर्थ में अडाना से ईस्ट में सीरिया तक और साउथ में इंडियन ओशन तक का इलाका हिजाज के हवाले कर देंगे और इसे प्रोटेक्शन और असिस्टेंस भी देंगे। और इसी के साथ साथ दिसंबर 1915 में ब्रिटिशर्स ने एमरेट ऑफ नजद, मतलब आज के सऊदी अरबिया के किंग अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ ट्रीटी ऑफ डेरेन भी साइन की थी। इस ट्रीटी ऑफ डेरेन के तहत अल सऊद खानदान अब ब्रिटिशर्स की प्रोटेक्शन में था और इसके बदले में सऊद को वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का साथ देना था ओटोमन्स के खिलाफ, और कतर, कुवैत, हिजाज और ट्रोशेल स्टेट्स, मतलब आज के यूएई पर हमला नहीं करना था क्योंकि ये स्टेट्स ब्रिटेन के एलाइज थे। अब्दुल अजीज अल सऊद ब्रिटिशर्स की सब शर्तें मान लेते हैं पर हिजाज पर ना हमला करने की कोई गारंटी नहीं देते क्योंकि उन्हें हिजाज के अंदर का मक्का मदीना चाहिए था। वापस आते हैं हिजाज पर। ब्रिटिशर्स के बहकावे में आके शरीफ ऑफ मक्का हुसैन बिन अली ने जून 1916 में हिजाज के अंदर ओटोमन्स के खिलाफ आजादी की एक जंग छेड़ दी जिसे हिस्ट्री में अरब रिवॉल्ट कहा जाता है। ये बगावत कुछ ही महीनों के बाद ठंडी पड़ने लगती है क्योंकि बहुत सारे अरब्स अभी भी वर्ल्ड वार के चलते ओटोमन्स, मतलब इस जंग में मुस्लिम्स को धोखा नहीं देना चाहते थे। यहाँ तक कि बहुत सारे अरब्स बगावत का नाम सुन के हैरान हो गए थे क्योंकि वो एक यूनाइटेड इस्लामिक एम्पायर चाहते थे, एथनिसिटी के नाम पर बटना नहीं। और तब एंट्री होती है वर्ल्ड वार में सबसे इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल इंसान की, थॉमस एडवर्ड लॉरेंस की, जिन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। लॉरेंस पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो इजिप्ट, सीरिया और फलस्तीन जैसे इलाकों में कई सालों से आर्कियोलॉजी का काम कर रहे थे और इन इलाकों के इन्होंने मैप्स भी बना रखे थे। लॉरेंस अरब के लोगों को काफी अच्छे से समझते थे और इनके साथ इनके काफी अच्छे ताल्लुकात भी थे। 1914 जब वर्ल्ड वार वन की शुरुआत होती है तो वो वॉलंटरली ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ज्वाइन करते हैं अपने डेटा के दम पर और अरब इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इजिप्ट में स्टेशन रहते हैं। वो अरबिक जानने वाले थे, इस वजह से इजिप्ट में वो तुर्किश कैदियों को इंटरव्यू करते और ओटोमन आर्मीज की लोकेशन और स्ट्रेंथ का पता लगाते। 16 अक्टूबर 1916 लॉरेंस को हिजाज में भेजा जाता है अरब रिवॉल्ट को जिंदा रखने के लिए। लॉरेंस द सेवन पिलर्स ऑफ विजडम में लिखते हैं, अरब रिवॉल्ट को जिंदा रखने के लिए मुझे एक लीडर चाहिए था पर वो हुसैन बिन अली बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि वो काफी अड़ियल थे। वहाँ वो शरीफ ऑफ मक्का हुसैन बिन अली के तीन बेटों का इंटरव्यू लेते हैं और बगावत को लीड करने के लिए फैसल को चुनते हैं। अरब रिवॉल्ट को जिंदा रखने के लिए लॉरेंस अपने साथ हथियार और लोकल्स को खुश रखने के लिए सोना लेकर आए थे। फैसल और लॉरेंस काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लॉरेंस शरीफ ऑफ मक्का और ब्रिटिशर्स के बीच में एक लेजान, मतलब एक दलाल बनकर आए थे, पर ना सिर्फ अरब रिवॉल्ट के असल आर्किटेक्ट बने बल्कि फैसल का साथ देते हुए पर्सनली ओटोमन्स पर मिलिट्री हमलों में पार्टिसिपेट भी किया। दिसंबर 1916 फैसल और लॉरेंस अरब रिवॉल्ट को फिर से जिंदा करने के लिए प्लान बनाते हैं और इसकी शुरुआत वो हिजाज के रेलवे को ब्लॉक करके करते हैं ताकि ओटोमन्स इस रेलवे की मदद से हिजाज तक ना पहुंच सकें। लॉरेंस और फैसल के द्वारा इस ब्लॉकेड की वजह से मक्का मदीना में बैठे ओटोमन सिपाही बीमारियों और सीरिया से एसेंशियल सप्लाईज ना पहुंचने की वजह से मरने लगते हैं, जिस वजह से ओटोमन एम्पायर को अपने कई सारे रिसोर्सेज और फौज हिजाज रेलवे को रिस्टोर करने में लगाने पड़ते हैं जो वर्ल्ड वार में उनके लिए काफी नुकसान दे रहा। फैसल की आर्मी लॉरेंस की एडवाइस और असिस्टेंस हमेशा मानती थी। जुलाई 1917 फैसल और लॉरेंस की कमांड में अरब आर्मी अकाबा पर कब्जा कर लेती है और यहाँ से फैसल की नॉर्दर्न आर्मी जनरल एलन बाई के डायरेक्ट कमांड में ट्रांसफर की जाती है जो फैसल की आर्मी को लॉरेंस के थ्रू ऑर्डर्स पास करते हैं। फैसल की आर्मी ने दमस्कस तक की ट्रांसपोर्टेशन लाइन को ब्लॉक कर रखा था जिस वजह से जनरल एलन बाई दिसंबर 1917 में फलस्तीन के गाजा पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं और सितंबर 1918 बैटल ऑफ मेगाडू ओटोमन्स ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं और फलस्तीन पर मुसलमानों की हुकूमत भी खत्म हो जाती है और एक साल बाद ब्रिटेन दमस्कस पर भी कब्जा कर लेता है। 1918 वर्ल्ड वार वन खत्म होता है और ओटोमन्स हर प्लेटफॉर्म पे हार जाते हैं।
अक्टूबर 1918 फैसल एलनबाई से दमस्कस में मिलते हैं और हुसैन मिकमेन करस्पॉन्डेंस में किए गए वादे को अंजाम देने की डिमांड करते हैं, मतलब सीरिया से लेकर इंडियन ओशन तक के इलाके को एक अरब स्टेट बनाने का वादा। और यहाँ उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है जब उन्हें ये पता चलता है कि सीरिया फ्रांस को मिलेगा, शरीफ ऑफ मक्का को नहीं। असल में 1915 में हुसैन मिकमेन कॉरेस्पॉन्डेंस अंजाम में आया जिसमें ब्रिटिशर्स ने शरीफ ऑफ मक्का से ये वादा किया था कि सीरिया से लेकर आज के यमन तक का इलाका हम आपको देंगे। और 1916 में फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में साइक्स-पिको नामी एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसके मुताबिक ओटोमन्स को हराने के बाद ओटोमन एम्पायर का इलाका वो आपस में बांट लेंगे। मतलब इस सारे वक्त वो शरीफ ऑफ मक्का और उनकी बेटों को बेवकूफ बनाते रहे। लॉरेंस की मदद से फैसल जबरदस्ती दमस्कस में प्रोविजनल अरब गवर्नमेंट बनाते हैं और अपने आप को सीरिया का बादशाह ऐलान कर देते हैं। पर 1920 बैटल ऑफ माइसलोन फ्रेंच फोर्सेस उन्हें दमस्कस से निकाल बाहर करती हैं और सीरिया पर फ्रांस कब्जा कर लेता है। लॉरेंस एज ए प्रोटेस्ट ब्रिटेन के बादशाह से मेडल लेने से मना कर देते हैं और अखबारों में लगातार अरब की आजादी के बारे में लिखने लगते हैं। कट टू मार्च 1921 कैरो कॉन्फ्रेंस, फैसल को इराक का बादशाह बना दिया गया और उनके भाई अब्दुल्ला को एक नए मुल्क ट्रांस जॉर्डन का। इस फैसले से लॉरेंस भी काफी खुश थे। फैसल 1933 तक इराक के बादशाह बनकर रहते हैं और 1933 में कैंसर से उनकी मौत हो जाती है। हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे आते हैं। 1920 लीग ऑफ नेशंस मैंडेट के तहत ब्रिटेन फलस्तीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और अगले 10 सालों में 1,00,000 से भी ज्यादा यूज को फलस्तीन में बसा देता है। इस वीडियो में हम फलस्तीन पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फलस्तीन इसराइल पे मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में एक बड़ा वीडियो लेके आने वाला हूँ। अब शरीफ ऑफ मक्का हुसैन बिन अली के साथ क्या हुआ सुनिए। पॉइंट नंबर 1, 1917 बेलफोर डिक्लेरेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक पब्लिक स्टेटमेंट जिसके तहत फलस्तीन को जीविश लोगों के लिए नेशनल होम बनाया जाएगा। शरीफ ऑफ मक्का हुसैन बिन अली एज प्रोटेस्ट उसे रिजेक्ट करते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, जून 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साय, जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में एक पीस ट्रीटी जो वर्ल्ड वार को रोकने के लिए थी, हुसैन इसे भी रिजेक्ट करते हैं और रेक्टिफाई करने से मना कर देते हैं, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। कट टू अक्टूबर 1924, एमिरेट ऑफ नजद मतलब आज का सऊदी अरबिया के बादशाह इब्न सऊद हिजाज पर हमला कर देते हैं। हुसैन की बेलफोर डिक्लेरेशन और ट्रीटी ऑफ वर्साय की रिजेक्शन की वजह से ब्रिटेन उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। रिजल्ट 23 दिसंबर 1925 हुसैन बिन अली इखवान मतलब अल सऊद वहाबी आर्मीज के सामने सरेंडर कर देते हैं और सऊद खानदान हिजाज मतलब मक्का मदीना पर बड़े आराम से कब्जा कर लेता है। और जैसा कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि 1902 से 1935 तक कैसे अल सऊद ने इन इलाकों को अपने कब्जे में लेकर 1935 में सऊदी अरबिया की तामीर कर दी। 1925 हुसैन बिन अली को उनके बेटे जैद के साथ सिफरस जो ब्रिटेन के कब्जे में था वहाँ भेज दिया जाता है। 1930 में 79 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आता है जिसकी वजह से उन्हें अमान ट्रांस जॉर्डन में रहने की इजाजत दी जाती है और 1931 वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। और फाइनली हुसैन बिन अली को जेरूसलम में बड़ी इज्जत के साथ दफना दिया जाता है। रिपब्लिक ऑफ टर्की वीडियो का आखिरी डिस्कशन मतलब वर्ल्ड वार 1 के बाद ओटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ और कैसे ओटोमन एम्पायर से आज का टर्की बना। वर्ल्ड वार 1 के बाद ये रहा ओटोमन एम्पायर का मैप। 30 अक्टूबर 1918 आर्मिस्टिस ऑफ मूडस नामी एक ट्रीटी साइन की जाती है। ओटोमन्स एलाइड पावर के आगे सरेंडर कर देते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत एलाइड पावर्स खासकर ब्रिटेन ओटोमन एम्पायर के किसी भी इलाके पर कभी भी कब्जा कर सकता है अगर उन्हें वो इलाके होस्टाइल लगे और उनकी सिक्योरिटी को वो चैलेंज करते होंगे। ओटोमन आर्मी और ओटोमन एयर फोर्स को सस्पेंड कर दिया गया। सारे पोर्ट्स, रेलवे और इम्पोर्टेंट जगहें और अड्डे एलाइड पावर्स के हवाले कर दिए गए। इस एग्रीमेंट के फौरन बाद कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब ओटोमन एम्पायर की कैपिटल पर एलाइड पावर्स खासकर ब्रिटेन कब्जा करना शुरू कर देते हैं। 10 अक्टूबर 1920 ट्रीटी ऑफ वर्साय जिसके तहत बचा हुआ ओटोमन एम्पायर मतलब आज का टर्की का बंटवारा किया जाएगा। कैसे तो सुनिए, ये इलाका आर्मेनियंस को मिलेगा, ग्रीस, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इंटरनेशनल ट्रीटी और ये बचा हुआ इलाका तुर्किश लोगों का जिसकी कैपिटल रहेगी अंकारा। गौर से सुनिएगा, फिर से हिस्ट्री में 5 साल पीछे चलते हैं। फरवरी 1915 से जनवरी 1916 मतलब 1 साल तक वर्ल्ड वार 1 के दौरान ओटोमन आर्मी और एलाइड पावर्स के बीच में गैलिपोली पेनिनसुला पर एक जंग हुई जो हिस्ट्री में गैलिपोली कंपेनियन के नाम से मशहूर है। ओटोमन एम्पायर की फौजों को लीड कर रहे थे मिलिट्री कमांडर मुस्तफा कमाल पाशा। इस जंग में दोनों साइड से करीबन 5,00,000 से भी ज्यादा फौजी मारे गए
और मुस्तफा कमाल पाशा की काबिलियत की वजह से ओटमन आर्मी ने एलाइड पावर्स को बुरी तरीके से हरा दिया। इस जीत की वजह से मुस्तफा कमाल पाशा तुर्किश हीरो बन गए और तुर्किश नौजवान उन्हें आंखें बंद करके फॉलो करने लगे। अब वर्ल्ड वार में हारने के बाद एलाइड पावर्स और ओटमन सुल्तान के बीच की गई दो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटीज अमिस्टिस ऑफ मोड्रुस और ट्रीटी ऑफ सेवरा के खिलाफ मुस्तफा कमाल पाशा की कमांड में नौजवान तुर्क्स तुर्की की इज्जत को बरकरार रखने के लिए एक वायलेंट मूवमेंट का ऐलान कर देते हैं, जिसे तुर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया और कभी कभी तुर्किश नेशनल मूवमेंट भी कहा जाता है। ये मूवमेंट इतनी वायलेंट थी कि नौजवान तुर्कों ने बचे हुए ओटमन एम्पायर के अंदर नॉन मुस्लिम्स को मारना शुरू कर दिया, खासकर ग्रीक्स और आर्मेनियन क्रिश्चियंस को, और जगह जगह पर एलाइड पावर्स के अड्डों पर हमले करने शुरू कर दिए। इस मूवमेंट में तुर्क्स का साथ रशिया, यूक्रेन, अजरबैजान, बुखारा और इटली ने दिया और बाद में फ्रांस ने भी तुर्क्स का साथ दिया, क्योंकि ब्रिटेन हद से ज्यादा ताकतवर होने लगा था। 23 अप्रैल 1920 मुस्तफा कमाल पाशा अंकारा में ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ तुर्की मतलब पार्लियामेंट एस्टेब्लिश करते हैं और इसे ओरिजिनल तुर्किश गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं। फाइनली 24 जुलाई 1923 ट्रीटी ऑफ लुजेन के तहत एलाइड पावर्स आज की तुर्की पर एलाइड फोर्सेस के कब्जे को रद्द करते हैं, तुर्की को इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट करते हैं और तुर्की से निकलना शुरू कर देते हैं। 4 अक्टूबर 1923 आखिरी एलाइड फोर्सेस तुर्की से निकल जाते हैं। 29 अक्टूबर 1923 इस बचे हुए ओटमन इलाके को रिपब्लिक ऑफ तुर्की का नाम दिया जाता है, जिसकी कैपिटल अंकारा थी। 1 नवंबर 1923 नया तुर्किश पार्लियामेंट सल्तनत मतलब खिलाफत की पोस्ट को एबॉलिश करते हैं और इस तरह 623 साल का ओटमन रूल खत्म हुआ। मुस्तफा कमाल पाशा रिपब्लिक ऑफ तुर्की के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। 1934 तुर्किश पार्लियामेंट मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क के टाइटल से नवाजते हैं। अतातुर्क मतलब फादर ऑफ द तुर्क्स। 10 नवंबर 1938 57 साल की उम्र में तुर्की के फाउंडर मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क की मौत हो जाती है। आज के लिए इतना ही। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू।